हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको क्लास ट्वेल्थ की जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जो कि पूरक परीक्षा 2020 का है, उसे सॉल्व करके बता रहे हैं। तो बिना विलंब किए हम आपको सेक्शन ए दिखाते हैं। सेक्शन ए में एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को आपको पूरी तरह ध्यान से पढ़ना है। केवल मैं यहाँ पर समय के अभाव में सीधे सीधे आपको क्वेश्चन के आंसर बताने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, जमशेद जी वॉन्टेड टू एक्सपोर्ट स्टील टू ब्रिटेन, इसका राइट आंसर है। और ए नेटिव ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, तो ब्रिटिशनर्स, यहाँ पर इसका राइट आंसर बी है। उसके बाद में जमशेद जी वॉन्टेड टू मेक टेक्सटाइल मिल्स, इसका थर्ड आंसर होगा। और उसके बाद में इन वर्ल्ड वार सेकेंड ब्रिटिश टैंक्स वेयर कॉल्ड टाटा नगर्स, इसका राइट आंसर है। उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट टेक्सटाइल मिल स्टार्टेड इन 1874। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आप जो पैसेज है उससे यदि पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपको सीधे इनके आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सेम मीनिंग ऑफ द आप टू चेज द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, तो परस्यूड इसका राइट आंसर है। और राइट द नाउन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेट, तो इसका राइट फॉर्म है डिस्क्रिमिनेशन, नाउन फॉर्म हो जाएगा। और उसके बाद में अपोजिट ऑफ द वर्ड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मीन्स आयात करना आता है, निर्यात करना आता है, तो इसका इम्पोर्ट होगा, इन्हें आयात करना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट वॉज जमशेद जी टोल्ड इन मैनचेस्टर, तो देखिए इसका निशान मैंने यहाँ लगा रखा है, जिसे आप देख सकते हैं, फर्स्ट में ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये इतना जो मार्क किया है वो आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है, व्हाट डिड जमशेद जी फुलफिल हिज ड्रीम्स, तो इसका आंसर भी आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि इसमें मार्क किया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर इस पैराग्राफ से हमने निकाला है। तो इसमें यहाँ पर जो लाइनें हैं, दो लाइनें आपको मार्क की गई है, इसको आप देख सकते हैं, इसी से इसका आंसर आपको लिखना है, इसके नंबर आपको मिलेंगे। वैसे तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर पूरी तरह प्रश्न से स्टार्ट करके दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप इन प्रश्नों को यहाँ से इनके आंसर राइट करते हैं तो बेहतर आपको नंबर मिलेंगे। आइए, तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपको पहले इसको पैराग्राफ को पढ़ लेना है, उसके बाद मेक नोट से रिलेटेड है, तो जैसे कि आपने इसकी तैयारी की होगी बेशक आप इसके प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, किस तरह से नोट लिखते हैं, किस तरह से टाइटल लिखते हैं, उसकी समरी लिखी जाती है, या अच्छी तरह जानते हैं, मुझे यहाँ पर इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से डिज़ाइन पोस्टर है, पोस्टर को किस तरह से आप तैयार करते हैं ये भी आपने तैयारी की है, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो बता सकते हैं किस पर सेव ट्री एंड सेव लाइफ पर आपको अपने पोस्टर तैयारी की होगी। इसी के साथ में इसमें एडवर्टाइजमेंट है, और जो भी ये इस तरह का आपने देख रहे हैं कि इसके आर में क्वेश्चन दिया गया है, इसे भी आप कर सकते हैं, मुझे यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में राइट रिपोर्ट में आपको इनॉग्रेशन सेरेमनी पर लिखना है, जिसके आप पॉइंट्स दिए गए हैं, इसके बेसिस पर आपको इसका डिटेल्स पूरा करना है। और उसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि इसी में एक आर वाला क्वेश्चन है, जिसे भी आप दिए गए पॉइंट्स के आधार पर इसको आपको फुलफिल करना है, पूरा कंप्लीट करना है। इसके बाद में फॉर्मल लेटर्स, इसमें ये दिए गए हैं, क्या क्या दिया गया है आप अच्छी तरह देख पा रहे हैं, और एप्लीकेशंस हैं और लेटर हैं जिनको आपने शायद किया भी होगा, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर्स वगैरह है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आप देख पा रहे हैं, यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स प्रोड्यूस ए स्मॉल राइट अप इन अबाउट 150 वर्ड्स, इलीगल इमिग्रेशन ए रियल थ्रीट, ये इस पे पॉइंट्स है। वैसे आपको इसने आपको आप में से किसी ने इस क्वेश्चन को नहीं किया होगा, इसके आर वाले क्वेश्चन को किया होगा, जो कि आपका ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, साइंस इन इट्स इन टूडेज लाइफ, वंडर ऑफ साइंस का निबंध है, जो कि आपने इस तरह किया होगा। और इसके बाद चलते हैं सेक्शन सी, जो कि मैं आपको विशेषकर आपको बताना चाहता हूँ। सेक्शन सी में आप देख पा रहे हैं, सेक्शन सी में है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, हाउ मिल्क डू यू बाय डेली, तो इसमें आपको पुटअप करना है। तो देखिए मिल्क मिन अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएं, मच लगाएं, तो यहाँ पे हाउ मच मिल्क, तो यहाँ मच आएगा। उसके बाद में हम चलते हैं, राहुल इज मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तो मोस्ट इंटेलिजेंट ये सुपरलेटिव डी है, सुपरलेटिव डी से पहले द आता है इसलिए द लगेगा। द केट जम्प्ड द वेल, देखिए द केट जम्प्ड द वेल, वेल मतलब उसके अंदर जा रही है, इसलिए हमें इंटू लगाएंगे यहाँ पर, द केट जम्प्ड इन टू द वेल, यदि यहाँ पर टेबल होता या तो ऑन आता
और यदि चूहा होता, रेट होता, द कैट जम्प्ड अपान, तो अपान आता, लेकिन फिलहाल मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन ना करते, सीधे बता दूँ यहाँ पे इंटू आएगा। उसके बाद में ही प्ले फुटबॉल व्हेन ही वॉज यंग, तो ये पास्ट की बात की गई है इसलिए यहाँ पे कुड का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है दे वेयर होमवर्क बाय टीचर, तो दे वेयर अलॉटेड, ये पैसिव वॉइस है इसलिए यहाँ पर अलॉटेड आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, डू हैज डायरेक्टेड एनी 5 हर पेन पुट इंक सम सी इन, ये जम्बल्ड क्रम में लिखा हुआ है, इसको आप सिस्टमेटिक अरेंज करना है, तो आप देख पा रहे हैं सी पुट सम इंक इन हर पेन, इसका राइट आंसर होगा। इसका ही नोज इंग्लिश, ही नोज हिंदी, यहाँ बोथ का प्रयोग करना है, तो बोथ में हम क्या करेंगे, ही नोज यहाँ पे कॉमन लेंगे, और ही नोज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, और यदि आप ये लिखते हैं ही नोज हिंदी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लिखते हैं तो भी सही है। तो फिर से सुन लीजिए, ही नोज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, या इसका कर सकते हैं ही नोज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ टाइप्स ऑफ द सेंटेंस आर करेक्ट। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन है, आई हैड ए कार, यहाँ पर चेंज इन टू नेगेटिव करना है, नेगेटिव तो करना है, तो यहाँ पर हेड ध्यान रखिए, ये पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट ही है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग करेंगे, तो आई उसके बाद डिड का नॉट करके हेड का जो फर्स्ट फॉर्म यहाँ लेके आएंगे हैव, आई डिड नॉट हैव ए कार, इसका राइट होगा। उसके बाद में आई सा ए ब्यूटीफुल लेडी, री राइट यूजिंग रिलेटिव क्लाज, रिलेटिव क्लाज में जनरली हम हु और दैट का और विच का प्रयोग करते हैं, यहाँ लेडी मैन है, मतलब वो यहाँ पे मनुष्य की बात की जा रही है, इसलिए इसमें हु का प्रयोग करेंगे, तो आई सा इसका सही क्या होगा, आई सा ए लेडी हु इज ब्यूटीफुल, इसका सही होगा। फिर सुन लीजिए, आई सा ए ब्यूटीफुल लेडी का क्या होगा, आई सा ए लेडी हु इज ब्यूटीफुल, इसका राइट होगा। इसके बाद में हिज फादर टीचेस हिम इंग्लिश, चेंज इन टू पैसिव वॉइस, तो इसका होगा, देखिए यहाँ पर हिम और इंग्लिश दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, तो दो तरह से बन सकता है, फिलहाल मैं इंग्लिश से बता रहा हूँ, इंग्लिश इज टॉट हिम बाय हिज फादर, एक ये होगा, दूसरा बना सकते हैं ही इज टॉट इंग्लिश बाय हिज फादर, ये दूसरा तरीका होगा, तो जिन इन दोनों तरीकों में से जिससे भी आपने बनाया आपका सही है। इसके बाद में हम चलते हैं, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, री राइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, तो देखिए यहाँ पर अनलेस लगाना है इफ़ के स्थान पर, तो इफ हटाएंगे और इफ हटाएंगे तो फिर क्या होगा, नॉट भी हटेगा और डू भी हटेगा, तो डू नॉट दोनों इफ डू नॉट हटा के इफ के स्थान पर हम अनलेस लग देंगे, तो हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड कामा यू विल नॉट पास, ये सही होगा। इसी के बाद द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, तो इसमें हम यहाँ क्या करेंगे, हाउ मच द मिल्क डिड द सर्वेंट डिड गिव यू, लास्ट में इसमें यू लिखना है, मैं यहाँ यू लिखना भूल गया हूँ, आपको यू भी लिखना है। फिर सुन लीजिए, यहाँ पे हाउ मच द मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आप आइए सेक्शन डी पर, तो सेक्शन डी में ये आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनके आप सीधे आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, टेक्स्ट बुक के हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे हैं जिसे आप पढ़ लेंगे, ये आपके पोयम से लिया गया है, तो फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द एबो लाइन्स विच हैज़ सेम मीनिंग ऑफ द सर्व पेन, तो इसका एंग्विज्ड होगा, ये होगा उसका द अपोजिट वर्ड ऑफ नियर इज, तो वो फार होगा। उसके बाद हम चलें नेम ऑफ द पोयम, तो नेम ऑफ द पोयम आपको स्वयं बताना है यहाँ पे, चलो तो मैं यहाँ पे आपको नाम भी बता देता हूँ क्योंकि नाम इसी के अंदर छुपा हुआ है, ये आपको नाम जो है आपकी पहली लाइन है, टीच मी टू लाड, टीच मी टू लिसन लाड, इसका जो है पहली लाइन है, इसका ये पोयम का नाम है जो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपको पोयम की चार लाइन दी गई हैं, इनको स्वयं पढ़ना है, और उसके राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टार्व, स्टार्व का मतलब होता है डाई ऑफ हंगर, भूख से मर जाना। उसके बाद में आता है राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द एडमायर, तो एडमायरेशन यहाँ पे ई हटा के ए टी आई ओ एन आपको जोड़ देना है। नेम ऑफ द पोएट, तो डब्ल्यू एच डेविस का राइट आंसर है। इसके बाद में आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं, और निश्चित ही अपेक्षा करता हूँ कि आपका प्रश्न अच्छा गया होगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।